अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जा होंगे। खैर खैर से मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई, पर सोचा एक वीडियो बना के डाल देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब से मेरा लगाव एक अलग लेवल का है। मैं चाहे दुनिया में कहीं भी रहूँ, कोई भी जॉब करूँ, कुछ भी करूँ, बट यूट्यूब का और मेरा जो कनेक्शन है वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनी ही यूट्यूब से थी। और इस यूट्यूब से चाहे भले 100 लोग हो, 200 लोग हो, जितने भी लोग हो, बट मुझे प्यार बहुत मिला है। सो यूट्यूब तो छोड़ने से नहीं मैं। अब बात करते हैं हमारी प्यारी सी आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी कल आई, लाइव आई, वही आंटी जी का जो बकवास होता है, आंटी जी का ए टू जेड ब्लॉग जो है वो हमारे ऊपर, यानी कि रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर और अंकल जी के ऊपर थोड़ा बहुत था, और जो उनको जो है ऐसा शिकायना दिखाते हैं, इंक्लूडिंग देम ऑल्सो, उसके ऊपर था। तो आंटी जी हमको बोलती है कि फिल्टर लगा के मत आओ, फिर और कुछ बोल रही थी, छमिया बन के मत आओ, ऐसा वैसा हमका डमका। तो पहली बात, मैं तो छमिया कभी बनती नहीं, क्योंकि मैं काजल के अलावा, मतलब काजल भी नहीं, सुरमा के अलावा, क्योंकि मैं सुरमा लगाती हूँ, क्योंकि अब स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है ना मेरा, ये देख सकते हो आप, ये अभी तक मैंने हटाया भी नहीं, चार्ज पे भी नहीं बिठाया, मैं सीधा फ़ोन लेके बैठ गई। तो स्क्रीन टाइम मेरा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, आँखें ना रात को जब बंद करती हूँ ना, लिटरली जलता है। तो बचपन से सुनते आ रही हूँ काजल लगाने से जो है आई साइड जो है अच्छी रहती है, तो आजकल सुरमा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बर्निंग होती है लिटरली। और लाली लिपस्टिक कुछ ऐसा कुछ लगाते नहीं हूँ। और रही बात फ़िल्टर की, तो आंटी जी जो फ़िल्टर की बात आप कर रही हो ना, फ़िल्टर तो वैसे मैं पर्सनली आई डोंट यूज़ फ़िल्टर, हाँ इंस्टाग्राम में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं वीडियो तो इसमें तो मेरा सस्ता वाला फ़ोन, इसमें फ़िल्टर वगैरह भी लगाती नहीं हूँ। जो भी फ़िल्टर अप्लाई करो तो वो समझ में आ जाता है कि भाई फ़िल्टर है, ओरिजिनल नहीं है। और जो फ़िल्टर की आप बात कर रही हो ना, वो ऊपर वाले की देन है, जिसको हम उर्दू में नूर बोलते हैं, जो शक्ल का जो नूर होता है ना वो बोलते हैं। तो फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत आपको है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तकब्बुर नहीं करती, अल्लाह माफ़ करे, बट हमको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जैसे कि आप बोल रही थी मैं बुढ़ापे में ऐसी हूँ, मैं बुढ़ापे में वैसी हूँ, तो आंटी जी ऐसा है, हमने देखा है जब आप हमारी उम्र की थी ना, हमारी उम्र की तो खैर फिलहाल नहीं, अपनी शादी बुढ़ापे में की थी, बट शादी की थी कि क्या की थी, जो भी की थी वो आपका मैटर है, हमको तो नहीं पता, बट जो भी क्या था ना, जो आपकी उम्र है ना, उसका थोड़ा सा आगे पीछे जो उम्र था, उस उम्र में हमने जो है फ़ोटो आपकी देखी है। और रही बात फ़िल्टर की, तो मुझे लगता है बायोमेट्रिक सर्जरी करवाने से फ़िल्टर लगाना ज़्यादा बेटर है। वैसे तो फ़िल्टर में लगाती नहीं हूँ, बट अगर देखा जाए आप जो उम्र की जो आप धौंस जमा रही हो, तो जो आपका साइज़ था ना उस टाइम पे, और जो जैसी आप दिखती थी, वो तो सबको पता है कि आप धूमकेतु जैसी दिखती थी उस टाइम पे। मैं बॉडी शेमिंग नहीं करना चाह रही थी, बट आई एम सॉरी, आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब अगर आप पोक करोगी हमको, तो सुनना तो पड़ेगा ही ना आंटी जी, क्योंकि आप बोल रही हो कि आप जो है हम फ़िल्टर लगा के आते हैं, तो फ़िल्टर तो किसी भी एंगल से फ़िल्टर नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं, इनफैक्ट फेस के रिंकल्स वगैरह सब कुछ दिख ही रहा है। एनीवेज अगर फ़िल्टर की बात करें, तो चलो हम फ़िल्टर अगर मान लो यूज़ कर भी लेते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक सर्जरी करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और किलो किलो मेकअप थोपने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रहा सवाल आपकी उम्र में जाके, तो आई डोंट थिंक सो आपकी उम्र में जाके भी हमको जो है मेकअप करवाने की और सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये होता है ना, अल्लाह की तरफ से होता है। अब जैसे कि आपके दिल में जो है शैतान बसता है, आप जो भी हरकतें करती हो, हराम की खाती हो, हराम की जीती हो, शीख करती हो, तो ऑब्वियस बात है ना, आपको तो मेकअप की सर्जरी की पता नहीं क्या क्या की ज़रूरत। एक बात आंटी जी आके बोल रही थी कि हम जो है हम गाली गलौच नहीं करते हैं, हम गंदे भाषाओं का उपयोग नहीं करते हैं, हम तो अपनी स्टाइल से जलाते हैं, अपने फैशन से जलाते हैं। रियली आंटी जी, वैसे आंटी जी ऐसी इंसान है ना, जो अभी कुछ और बोलती है, मतलब उनका जो कॉन्टेक्स्ट रहता है ना बोलने का, वो कॉन्ट्राडिक्ट होता रहता है टाइम टाइम पे, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट होता रहता है। जैसे कि स्टार्टिंग में, लाइफ के स्टार्टिंग में आंटी जी ने, वैसे तो आंटी जी गाली की प्रयोग कर दिया, लेकिन आई विश मैं वो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करती, जो रिकॉर्डिंग मुझे वॉइस नोट मुझे अंकल ने भेजा था, आई विश। वैसे अगर आप चाहो तो 2 साल पहले की अगर आप मेरे वीडियोज़ देखोगे, तो शायद आपको मिल जाएगा वो रिकॉर्डिंग, शायद मिल जाएगा। तो लेकिन कल के लाइव में जो है ना, जैसे कि आंटी जी ने स्टार्टिंग में बोला था, हम तो भैया गाली गलौच नहीं करते हैं, अभद्र भाषा मतलब मैंने ऐड किया है, मतलब कि ख़राब लैंग्वेज का आंटी जी जो उपयोग नहीं करती है, आंटी जी फैशन से जलाती है। पहले गाली का बोल देती हूँ, फिर जो है पूरे लाइफ में तेरी माँ का, तेरी बहन का, फिर आना बे, उखाड़ना बे, मतलब जो आंटी जी ने स्टार्टिंग में बोला कि हम अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करते, वो बोलकर डिस्क्लेमर देके, फिर साथ में जो तेरी माँ का और तेरी बहन का और जो भी लैंग्वेज आंटी जी ने ऐड किया, उससे तो समझ में पब्लिक को आई गेस। वैसे तो मैंने तो अपने कानों से सुन लिया, अंकल जी ने तो मुझे सुना ही दिया, लेकिन जो पब्लिक
जिनको आपने जो है बेवकूफ़ बनाने की बोले हम तो गालियाँ नहीं देते, तो आप गालियाँ देते हो कि नहीं देते हो, तो फिर तेरी माँ का, तेरी माँ की आग, तेरी बहन का जो आपने लाइफ में कंटिन्यू करा था उनको समझ में आ गया होगा। रही बात आपकी फैशन सेंस की, तो अल्लाह तौबा माफ़ करे, ऐसी फैशन सेंस जो है ना मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ये दुपट्टा सर पर उठ के जितना ब्यूटीफुल मैं लग रही हूँ रात का बचा हुआ सुरमा में, तो आप मेकअप के साथ भी मुझे नहीं लगता कि आप इतनी ब्यूटीफुल लग सकती हो, और जब आप मेरी उम्र में थी तब भी आप इतनी ब्यूटीफुल नहीं लगती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैर वैसे खूबसूरत नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें होती है जो रूहानी होती है और जो अल्लाह की तरफ से होता है, वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो आपका फैशन सेंस, कीप दैट टू यू। ऐसी वाहिया चीप कपड़े पहनने को अगर फैशन सेंस बोलते हैं, सो मुझे लगता है कि मैं एक दुपट्टा और एक मैक्सी में ही ठीक हूँ। और रही बात आपसे जलने की, तो आंटी जी जलते वो है जो अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते में, लेकिन आप जिस तरीके से तमाशा आपने बनाया अपनी शादी का, वो भी अधेड़ उम्र में शादी करके, बट थैंक गॉड फाइनली आपने एक्सेप्ट किया आपकी जो अय्याशी का जो रिश्ता था अंकल जी के साथ, आपने कल के लाइन में बोला कि लव मैरिज था, तो फाइनली आपने एक्सेप्ट तो किया कि लव मैरिज था, हम तो कब से बोल बोल के थक गए। बट आप तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर जो है ना अपने अय्याशियों का जो वो सारी चीज़ें वो अल्लाह के ऊपर डाल देती थी कि अल्लाह ने चाहा तब जा, बेशक अल्लाह चाहता है तभी जाके हर चीज़ होता है, ये मैं भी मानती हूँ, उनके रजा के बिना तो एक पत्ता हिलना भी बहुत मुश्किल है। बट कुछ कुछ चीज़ें होता है कि सिर्फ अल्लाह के चाहने से नहीं होते, हमको भी मूव करना पड़ता है। ऊपर वाला बोलता है ना कि मैं देने को तैयार हूँ, तू मांग तो सही, तो हम मांगते हैं तभी हमारी मुराद जो है वो पूरी होती है। तो आपने चाहा था कहीं ना कहीं अय्यूब के साथ रिश्ता जोड़ना या जो भी सारी चीज़ें हैं, तभी जाके हुआ है ना। तो फाइनली कल आंटी जी ने एक्सेप्ट किया। और रहा बात कि आपसे जलने का, देखो हराम का पैसा जो है ना, आप तो बुढ़ी हो चुकी हो आंटी जी, मुझे लगता है हराम का पैसा कमाना ना आजकल के ज़माने में बहुत आसान है, और आजकल के ज़माने में ना आंटी जी एक औरत होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से आपने पैसे कमाए ना, उस तरीके से मुझे पैसे कमा के जहन्नुम में तो नहीं जाना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बेटा है जो मुँह को कब्र में मिट्टी दे सकता है, एक बेटी है जो मुँह को पानी दे सकती है, एक शौहर है जिसके साथ कभी लड़ती हूँ तो कभी प्यार भी करती हूँ, एटलीस्ट कुछ भी हुआ तो मुझे उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाने वाला मेरा शौहर है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो बेटा नहीं कर सकता, वो शौहर कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा मेरा खुद का जो है, खुद का फैमिली है, कोई आके मेरे पति के ऊपर हक नहीं जता सकता है कि ये मेरा पति है, और मेरा पति मुझे छोड़ के जाने में भी उसको बहुत जिगरा लगेगा कि उसका कॉलर पकड़ के उखाड़ के लाने के लिए ताकत में रखती हूँ, क्योंकि उसके निकेह वाली औरत हूँ ना, दूसरी हूँ और ना किसी से छीन के लाई हूँ, उसकी निकेह वाली हूँ, तो जलने का सवाल नहीं होता। रहा बात हराम के पैसों का, तो हराम के पैसे और हराम के बच्चे और हराम की ज़िंदगी आप जैसे औरतों को शोभा देती, क्योंकि आप लोगों का तो मरने के बाद तो जहन्नुम में आपको जाना ही है फॉर श्योर, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि जिस पैमाने में आपने शिर्क किया है, हराम तो छोड़ ही दो, हराम तो शिर्क के सामने फिर भी थोड़ा छोटा है, अल्लाह बोलते हैं ना कि शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है, और आपने जानबूझ के, छोटी बच्ची तो हो नहीं, नन्ही पाप हो नहीं, जानबूझ के जिस लेवल का आपने शिर्क किया है, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह के दर पे आपकी माफ़ी हो सकती है। और जिस तरीके से आप तकब्बुर करती हो, लोगों को मतलब डिमेंड करती हो ना, मतलब दिखाती हो तेरी क्या औकात है, तेरी ये है, मतलब फिरौन वाले चाल जो होते हैं, भाई मुझे तो इस्लाम के बारे में उतना नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से, उस नॉलेज से भी आप गलत हो, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में काफ़ी रही थी, हालांकि काफ़ी नहीं बोलना चाहिए, मेरे रगों में भी किसी और का खून था, बट बींग ए मुसलमान इस्लाम में आके इतना तो मैंने सीखा है कि हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है, शिर्क क्या होती है, बिद्दत क्या होती है, और ये भी मैंने जाना है कि हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है, शिर्क के लिए, और आपने इस लेवल का कर लिया तो आपको तो मरने के बाद तो जहन्नुम में जाना ही है, ये बात आपको ही बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आप दुनियाई ज़िंदगी में जो है ना जन्नत का जो मज़े आप ले रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा तो होया नहीं कि भाई मरने के बाद हमारी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है, आखिरत नाम की भी कोई चीज़ है, और वहाँ पर तो आपका ना नेल्स देखेंगे, ना सायरा सत्तानी के कितने पैसे हैं वो देखेंगे, कितने माल है, क्या देखा जाएगा, सायरा सत्तानी का माल, और ये जो आप घोड़े जैसे बाल लगा के बार बार यूं 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 यूं, हमारे फिर भी असली है, जितने भी असली है हमको नकली लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता अब अभी आप बोलोगे कि इन लोगों के पास तो पैसे नहीं, भिखारी है, अगर होता भी तो वो पैसा मैं अपने बच्चों पे लगाती, खुद पे ना लगाती, क्योंकि आप खुद को पहली बात तो है ठीक ठाक है, ये सब घोड़े वाले बाल लगाने की या नाखून लगाने की ज़रूरत नहीं, और वही पैसा मुझे लगता है मेरे बच्चों पे लगाऊंगी तो उनका फ्यूचर सेट होगा, ना कि रेदर देन आपकी तरह ड्राइवर बनाऊँ और एक को माँ का दल्ला बनाऊँ, सॉरी टू से, हाँ वो वर्ड जो है वो आपके अमीन के लिए बिल्कुल जाता है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो 3 साल का बच्चा, जब मैं बाहर जाने के लिए रेडी होती हूँ तो मेरा बेटा दुपट्टा ला के देता है कि मम्मा पहनो, क्योंकि उसको बचपन से उसने देखा है कि मम्मा दुपट्टा पहनती है, और कभी कभी ऐसा होता है, खैर जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक छोटे बच्चों को भी उसकी माँ की इज्जत की परवाह होती है, और आपका बेटा तो सरेआम आपको जलील करवाता है, नचवाता है। और रहा सवाल तोड़ लो, उखाड़ लो,
ये कर लो वो कर लो। तो आंटी जी ये सब डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, ये सब डिपार्टमेंट मुझे लगता है ऊपर वाले का है। और ऊपर वाले ने जैसा आपका तोरा है घमंड, ऐसे बुढ़े ने आपको छोड़ के अमीना आंटी के पास गया, जैसा आपका उखाड़ा है तो वो तो काबिल तारीफ है। आपको मुझे नहीं लगता कि हमको आपकी कुछ उखाड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर वाले ने जितना उखाड़ना था आपका उखाड़ लिया। और उखाड़ने के बाद की जो तरफ होती है ना, वो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। झूठी आप अभी हंस रही हो, बहुत अच्छी बात है हंसते रहो, लेकिन उस झूठी हंसी के पीछे की जो जलन है, जो अयूब अंकल अमीना आंटी के साथ जैसे खुश रह रहे, मैं ट्रस्ट में बोलूँगी अयूब अंकल सही में सही इंसान है। देखो हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, लेकिन इस लेडी की तरह चीप नहीं है वो। वो हर एक उनके बातों का एक लहजा होता है, मैंने पर्सनली उनसे बात की है, वो माँ और बेटा के अलावा वो कभी बात नहीं करते, कभी बात नहीं करते वो माँ और बेटा के अलावा। हाँ इसके चक्कर में पढ़ के अयूब अंकल ने अपना बहुत कबारा किया है, ये मैं खुद बोलूँगी। और एक टाइम पर मैं ही थी जो अंकल को बोलती थी कि ख़त्म करो झगड़ा, चले जाओ बुढ़ापे में, क्यों यह करना वो करना। बट अब अंकल अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, और अगर तुम एक सच्चा मुसलमान हो, और अगर तुम में थोड़ा सा भी शर्म हया बाकी है, तो उस लेडी के पास कभी नहीं जाना, उस टेबल पे नहीं बैठना चाहिए जहाँ पे हमारी इज्जत ना हो। ये बचपन से हमको सिखाया गया है, जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू ना हो ना, कदर ना हो। एक औरत जितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जो मर्द होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द मैन ऑफ द हाउस। भले ही होगी वो करोड़पति, लेकिन आप उसके आदमी थे। और मुझे लगता है कि देखो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है ना, बिस्तर में हम थोड़ा सा नॉटी हो जाते हैं, थोड़ा सा हम मियाँ के साथ क्रूड बिहेव भी करते हैं, बच्चों को लेकर दिन भर सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज करते हैं, बच्चे भी इतने परेशान करते हैं। फिर मियाँ जब कुछ एक बोलते हैं तो हमारा जो वेंट आउट करने का, हमारा इमोशंस वेंट आउट करने का जो एक जरिया रहता है वो हमारा मियाँ ही रहता है, तो हम मियाँ के ऊपर निकालते हैं। लेकिन उस मियाँ को हम इक्वली जब घर में कोई डिसीजन लेना हो तो उसको भी शामिल करते हैं, और उसको रिस्पेक्ट भी करते, बिकॉज वो मेरा शौहर है, उसका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज अगर मैं रस्ते पे सेफ निकलती हूँ, या फिर आज मैं इस घर में सेफ हूँ, तो जस्ट बिकॉज कि सबको पता है कि इद्रिस अली की बीवी है। क्योंकि बिना शौहर की एक औरत को ना मार्केट में ना चील कौवे की तरह लोग नोचने आते हैं। तो आज अगर मैं सेफ हूँ, मेरी बेटी सेफ है, या बच्चा सेफ है, जस्ट बिकॉज कि वो इंसान हमारे साथ है। और क्या होता है ना, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, और मेरे रिश्ते में तो कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि हमारी दोनों की दुनिया ही बहुत अलग थी। वो मुसलमान, मैं हिंदू थी, हमारा उठना बैठना रहना सहना खाना हर इबादत हर चीज़, और ऊपर से मैं बंगाली, हर चीज़ अलग थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो होनी थी वो हुई भी। बट ये आपके ऊपर है कि आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, निभाना चाहते हो तो कैसे निभाना चाहते हो। होता है समटाइम कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सिचुएशन के ऊपर, बट ये आपके ऊपर है कि इस चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। तो मैं अंकल को वही चीज़ बोलूँगी कि अमीना आंटी इतना होने के बाद भी अगर आपके साथ खड़ी है ना, और उस इंसान को छोड़ के अगर आप इस लेडी के पास गए ना, तो अंकल बुढ़ापे में कटोरा रह के बैठने के लिए ना मलार में रेडी रहना। और रही बात कि अंकल ये है अंकल वो है, तो अंकल जैसे भी है ना, तुमसे तो सही ही है, क्योंकि अंकल भले ही गरीब हो, लेकिन मुझे लगता है उनको रिश्तों को तमीज़ देना, क्योंकि मैंने अंकल से बहुत मतलब बात की, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे अंकल से बात हुई। आई डोंट नो किसके साथ उनका मतलब क्या एक्सपीरियंस था, बट जैसे अंकल ने मुझे बेटी बोला था ना, तो उसी लहजे में और उसी दायरे में रह के ही अंकल ने बात की। अंकल के मुँह से कभी मैंने गाली गलौज नहीं सुना, जो सही बात है, अंकल के मुँह से मैंने कभी गाली गलौज नहीं सुना। जैसे ये औरत लाइन में बैठकर बोलते हैं तेरी माँ की, पहले बोलती है कि हम तो गाली गलौज नहीं देते, हम अपने फैशन से जलाते, उसके बाद तेरी माँ की, तेरे बाप की। इस लेडी की जो भाषा है ना, वो और भी ज़्यादा ख़राब है। फिर बोलती है कि हाँ बिजनेस में मैंने इतना पैसा डाला, तो पैसा नहीं दोगे तो आरती थोड़ी करेंगे। भाई पैसा निकालने का भी ना बहुत तरीका होता है। ये औरत ना, इसने लाइव में उसने जो है लास्ट लाइव में उसने एक्सेप्ट भी किया था कि मैंने हाथ भी उठाया लोगों के ऊपर। ये छोटे छोटे वेंडर्स के दुकान को जो ना लात मार के मतलब के दुकान फेंक देती थी, गरीब लोगों को मारती भी थी। ये ऐसी औरत, ये जो आज छटपटा रही है ना, इतना पैसा इतने कपड़ों से याद आया, आजकल बहुत वेस्ट साइड करी है, अभी नवा वेस्ट साइड जाना सीखना। वैसे तो ये ब्रांडेड कपड़े तो कुछ पहनती नहीं है, क्योंकि ये जितना दिखाती है ना उतना तो उसके पास है नहीं है, हराम के पैसे। अब कोई अगर औरत अगर हराम के रास्ते पर जाएगा, अगर मैं ही मान लो, अल्लाह तौबा माफ़ करे, ऐसा कभी मेरे को भाई नौबत ना आए, भाई अगर मैं यूट्यूब में जब नहीं थी तभी मेरा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कमा के दो टाइम का खिलाता तो था, चाहे सूखा खिलाए, चटनी मिर्ची खिलाए, जैसा भी खिलाए, ऐसे रास्ते पे तो मैं कभी जा नहीं सकती, और ना मेरा दिल गवारा करेगा, क्योंकि ना मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से शायद वो चीज़ें वो मैं कभी नहीं करूँगी। लेकिन अगर हाँ, एक औरत अगर आज के डेट पे करना चाहे, कमाना चाहे हराम के, तो बहुत आसान चीज़ है कमाना।
तो वैसे तो ये कितनी क्लासी है और कितनी ब्रांडेड चीज़ें पहनती है वो तो इनको देख के समझ में आता है। तो वेस्टर्न आजकल जाने क्या लगा है, ये बहुत सस्ता है, आप लोग वेस्टर्न से ले सकते हो। बैंकॉक गई थी बार बार, बस वही बैंकॉक का वही पत्थर वही पर्ल का इतना, बैंकॉक चाहे वो जहाँ भी जाए, चाहे वो अभी बीच में कहाँ हिंदूपुर गई थी वहाँ पर बैंकॉक का गाना, फिर लद्दाख गई थी वहाँ पे बैंकॉक का गाना, जिधर भी जाती है बस बैंकॉक का गाना। फिर बोलते हैं कि मैं जो करीना कपूर के टाइप की जो कॉर्सेट होते हैं ना, ये वो है वो मैं पहन रही हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब वो पता नहीं, मतलब कि देखो क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंट होना अपने अंदर वो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों के अंदर। भाई मेरे में तो नहीं है, मैं हमेशा शेरा को बोलती हूँ, शिरीन मेरी दोस्त, कि भाई ये वाला कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत नकारा इंसान हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अगर मुझे सुंदर भी बोलता है ना, तो मैं अंदर ही अंदर 100 सवाल कर लेती कि सही में मैं सुंदर हूँ ऐसा, मतलब मैं अपने पति से पूछ लूँ तुमको क्या लगता है, अब पति तो पति है भाई, हम समझ सकते हो। तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो इंसान को ले डूबता है। जैसे कि ये हमारी आंटी जी जो है इनको ले डूबा, रही बात आप जो बार बार बोलते हैं ना मेरे शक्ल देख के डर जाता है, जी हाँ, क्योंकि हमारी भी माँ थी, हमारी भी सास है, हमारी भी खालाएँ हैं, हमारी भी फुप्पुए हैं, लेकिन आपकी जो शक्ल इतना, मतलब कि देखो अगर नॉर्मली एक औरत अगर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती है, उसके बाद अगर उसके मुंह में रिंकल्स या जो भी ब्लैक स्पॉट या व्हाटएवर अगर कुछ पिगमेंटेशन इशू होता है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो औरत हम जैसी औरतें हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, हमको ऐसा लगता है जैसे घर का काम होकर नहाने जा रहा है तो कपड़े धोने के बाद टाइम हो जाता है, तो जैसे झमाझम हम आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा इधर तबाही मचा देता है। कभी कभी बच्ची स्कूल में रहती है तो वो घर को अंदर से लॉक ना कर दे, क्योंकि मेरे बेटे ने एक बार खुद को लॉक कर लिया था, या फिर कुछ ना कर दे तो डर लगता है, तो इधर से आवाज़ देती हूँ इधर नहाती हूँ कि भाई तू सेफ है कि नहीं है। तो हम जैसे औरत तो खुद की तरफ तो ट्रीटमेंट करना, नहाना भी बहुत मुश्किल है, और नहा के बाल भी झूला में ही रखना पड़ता है, जब फ्री होते हो तब खोलती हूँ बाल कि सूख जाए, ठीक है। तो एक औरत का खुद के ऊपर इतना, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि खुद के ऊपर टाइम टू टाइम पार्लर जाके एक्सटेंशन लगाना, नेल्स एक्सटेंशन लगाना, पिगमेंटेशन एंड ऑल का जो है ट्रीटमेंट कराना, फिर हेयर का जो थेरेपी उन्होंने करवाया था वो बाल और हेयर उसके लिए क्या वो क्या था मुझे तो याद भी नहीं, वो सब कराने के बाद भी अगर आप ऐसे दिखती हो ना तो लानत है, मैं खुद बोलती हूँ, मैं मुंह पर बोलती हूँ, लानत है सारा सस्ताने की शक्ल पे, कि इतना पैसा होने के बाद भी, इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी, इतना मेकअप थोपने के बाद भी, और इतना कपड़ा अच्छा अच्छा पहनने के बाद भी अगर आप ऐसे दिखती हो ना तो लानत आपकी शक्ल पे। घमंड की बात तो बिल्कुल नहीं है, वो आपके लिए होगा घमंड, क्योंकि आप हमेशा से खुद को ऐसे समझती हो, और इतना घमंड के चक्कर में ही जो है ना हर कोई आपसे दूर होता गया, जो पति आपने खींचतान के भाड़े पर लाई थी ना वो भी चला गया, क्योंकि क्या होता है ना सिर्फ औरत होना काफ़ी नहीं होता है घर बसाने के लिए, सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं होता है घर बसाने के लिए, डेडिकेशन सेक्रीफाइसेस वो सब चाहिए होता है, जो कल के लाइफ में आप बोल रही थी ना इतने सेक्रीफाइस करने के बावजूद क्या नीला सायरा, तो जैसे सेक्रीफाइस ऐसी आप करती हो ना, तो भैया ऐसे सेक्रीफाइस अगर हर औरत करने लग जाए ना तो हर दो घर छोड़ के एक औरत आपको डिवोर्स ही मिलेगी, या फिर हर एक घर छोड़ के आपको जो है ना डिवोर्स ही मिलेगी। सेक्रीफाइस करना मतलब खुद को मिटा देना घर बच्चे पति के ऊपर, खुद को लिटरली मिटा देना होता है, खुद का वजूद, खुद की अहमियत, खुद का नाम, खुद की हस्ती मिटा देना पड़ता है। एक घर संभालना और बाकी के रिश्ते संभालने आसान नहीं होते हैं, हर एक चीज़ में शौहर और बच्चों को प्रायोरिटी रखते हैं हम, उसके बाद अगर कुछ बचता है तब जाके वो हमारे हिस्से में आता है, उसके बाद बचता भी है तो हम हमारे हिस्से में लेना भी नहीं चाहते ना, अंदर रहने दो हम क्या करेंगे, बुरखे के अंदर देख भी कौन रहा है, ठीक है। तो जो आप खुद को बोलो ना आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, एक बार अमीना आंटी को जाके देखो कैसे सेक्रीफाइसेस करके वो रह रही है, आप तो उसकी छाती पे सूरज जाके बैठती थी मूंग डालने को फिर भी हंस देती थी वो बेचारी, एक बार उससे जाके पूछो कि सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं। तो मियाँ जो है ना वो अपनी उस बीवी को छोड़ के आपको कैसे चुने, तो हर कोई दुनिया में पागल नहीं है, जो हज़ारों की तादाद में आपको गालियाँ बरस रही है ना वो आपके कर्मों की वजह से बरस रही है, हमको खाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले ने जितना आपको उखाड़ना था वो उखाड़ दिए, और जो भी रहा सहा कसर है ना वो बहुएँ आके उखाड़ देंगी, इसीलिए जो है ना आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि बहू आने के बाद जो है ना आपको क्या ट्रीटमेंट मिलने वाला है, इसीलिए आप जो है ना बेटों का जो है चीकू और केला जो है ना वो सिकुड़ रहा है, आप उनकी शादी करवा नहीं रहे, क्योंकि आप जो है ना अपने फ्यूचर से बहुत डरी हुई हो, आप बहुत इनसिक्योर औरत हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, ये मैं लिख के दावे के साथ दे सकती हूँ, क्योंकि अगर आप अमीना आंटी जैसी औरत के साथ जो एकदम सादी सी सिंपल सी कुछ करती नहीं, कुछ लगाती नहीं, मेकअप नहीं करती, उस लेडी से अगर आप इनसिक्योर हो सकते हो ना तो आप बहुएं से तो डेफिनेटली हो सकते हो। आपने खुद बोला कि मैं दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा जो माँ का गुलाम बन के रहे, तो वो गुलाम नहीं आज्ञाकारी होता है, और इसका दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही हो, आपको लगता है कि आपने सही परवरिश दी है और खुद के जो किरदार है उस पर अगर आपको भरोसा है
तो फिर ऐसी दुआएं करने की ज़रूरत नहीं बेटा। ऑब्वियसली बहू को साइड में रख के भी बहू से लड़के भी माँ बाप को देखेगा। ऐसे बहुत सारे बेटे हैं जो करते हैं, माँ बाप से अलग भी रहते हैं, लेकिन अगर माँ बाप एक फ़ोन आने की देरी होती है, जैसे मेरा एग्रेसी देख लो, वो चाहे दुनिया का कैसा भी इंसान हो, लेकिन घर से एक फ़ोन आया ना तो भागे भागे वो जाता है घर पे कि क्या होगा, अब्बा को क्या होगा। बीच की बात है, मेरे फादर इन लॉ का बीपी शूट कर गया था, किसी चीज़ को लेकर वो टेंशन थे, और इस चीज़ को लेकर मैंने भी काफ़ी दफ़ा बोला है उसको, बस फ़ोन आने की देरी थी, और वो ड्रेस पहन लिया था ड्यूटी पे जाने का, ड्यूटी का ड्रेस उतारा ट्रैक और टी शर्ट पहन के भागा बाप के पास, और लगातार 3-4 दिन वहाँ पे राउंड मारता रहा। फिर अंजीर जो भी सारी चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो अपने बेटे को इतना लंबा चौड़ा मतलब खड़ा ना करते तो शायद वो आज मेरा शौहर ना बनता। माँ बाप बहुत आज से, मैं भी इब्राहिम को बहुत आज से बड़ा कर रही हूँ, और कल को कोई भी आके उड़ा के लेके चल जाएगा बेटा, अगर एक मुँह की बात नहीं पूछेगा ना तो मुझे भी हर्ट होगा। कर्मा आपने से ही बोला था कि घूम के आता है, और ये आपके कर्म ही है जो सोशल मीडिया में झूठी हंसी हंस रही हो, और अंदर जो है ना आग जल रही है, इतना पैसा होने के बाद भी पैसों की हवा से आग नहीं बुझ रही है। ठीक है, किसी ने पूछा कि आयू भाई से झगड़ा क्यों हुआ है, तो उसको लेके भी जो है ना बुढ़िया ने टेढ़ी ही जवाब दिया है, बुढ़िया ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि इतना शोफ करती है पैसों का, ज्वेलरी का, कपड़ों का, तो भाई इतनी तो तुम मतलब कि बोलते हैं ना डील होना, इसके आगे का आप लोग ऐड कर लो, मैं नहीं बोलना चाहती। इतना सोशल मीडिया में आके इतना इतना रो रही है आजकल, इतना रो रही है, तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ना कि भाई आप बोलते हो ना जिगरा में दम होना चाहिए, तो ये भी जिगरा में दम होना चाहिए सच बोलने के लिए, और इतना ही अगर मिर्ची लगी हुई है तो जाओ आयु अंकल के सामने जाके फेस टू फेस बात करो, सारी चीज़ें क्लियर करो। अगर तुम सही हो, तुम सच्ची हो, तो मुझे लगता है तुमको मैं बार, तुम अगर सही हो, तुम अगर सच्ची हो, तो फेस टू फेस बैठ के बात करो ना। अगर मान लो अगर मेरे अगर इबू के अब्बा के साथ कुछ होता है ऐसा मेजर कुछ, वैसे तो होते ही रहता है मेरा और इबू के अब्बा का, अब ये पुराना हो चुका, अब तुम्हें हमारे सास ससुर भी तवज्जो नहीं देते, सच में नहीं देते, अब तो घर वाले भी नहीं देते तवज्जो, क्योंकि हमारा ना हर 2 दिन के वो हो गया है, अब तो पुराना हो चुका है और अब तवज्जो भी नहीं मिलता है, क्योंकि मान लो मैं लड़ना है इनको, फिर बाद में जो है रहना भी है इनको, तो फिर लड़ भी लेते हैं, फिर 2 दिन बाद जो है सब नॉर्मल भी हो जाता है, तो इनका चलता रहता है, अब तवज्जो कोई भी नहीं देता। तो नहीं, अगर मान लो इफ इन केस एक बात क्या, अगर मान लो इद्रिस के साथ मेरा कुछ अल्लाह ना करे कुछ मेजर कुछ होता है, तो भाई मैं तो उसको कॉलर पकड़ के खींच के लाऊंगी, इतना तो हक होना चाहिए ना भाई, बीवी हूँ उसकी। ये रेदर देन कि मैं सोशल मीडिया में बैठ के तेरी माँ की तेरे बाप की तूने पैसा खाया, तूने ये खाया, फलाना खाया, डिंका खाया, तो ये जो है ना ये नकली औरत है, ये नकली औरत है, और ये नकली की चोशनीबाजी कर सकती है और बाकी कुछ नहीं। एनीवेज आज का ब्लॉग में ही एंड करती हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था आंटी जी के लाइफ को लेके, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरखास्त, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है वो जरूर शेयर कीजिए। बारिश आई है, मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने।